बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक और खैरियत से हैं। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है मखनी अचारी हांडी, जिसके लिए हमें 1 kg चिकन चाहिए और तकरीबन 1.5 कप दही चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 टेबल स्पून साबुत धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला है। साबुत धनिए को हम जो है वो भून लेंगे और उसके बाद क्रश कर लेंगे। यहाँ पर सौंफ है 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून लाल मिर्च, कुटी मिर्च, लाल कुटी मिर्च, और 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पीसी हुई, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1/2 टेबल स्पून राई, 1 टीस्पून मेथी दाना, 1 अदद मीडियम प्याज उसे पीस लें, 1 अदद मीडियम टमाटर वो भी पीस लें, अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च इसे भी पीस लें आप, तकरीबन 1-1.5 चम्मच होना चाहिए, नमक हसब ज़रूरत, 1 टीस्पून हल्दी और थोड़ी सी मेथी, सूखी मेथी, और यहाँ पर कलौंजी मैंने लिए है 1/2 टेबल स्पून। मक्खन हमें चाहिए 100 ग्राम। यहाँ जितने भी खुश्क मसाले हैं इसे हम पीस लेंगे और बिल्कुल बारीक कर लेंगे, और जो प्याज़ और टमाटर है इसे हम पेस्ट बना लेंगे, अदरक लहसुन का भी पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पर हमने मक्खन जो है वो पिघला कर उसमें चिकन ऐड किया है और इसे थोड़ा फ्राई करेंगे। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, और इसमें मैं नमक भी ऐड कर दूंगी और तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको रख देंगे हम। अब यहाँ देखिए 5 मिनट हो चुके हैं तकरीबन। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर और प्याज का पेस्ट। थोड़ी देर बाद हम साथ ही इसमें दही और तमाम मसाले ऐड कर देंगे और इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे, और जब देखेंगे हैं कि हम ऑयल ऊपर आ रहा है तो हम इसे भूनेंगे, इस सालन को भून लेंगे। फिर हम ये देखें जितने खुश्क मसाले थे ना, इन सबको मैंने जो है वो पीस लिया है और इसमें ऐड कर दिया है। सिर्फ जो है वो कलौंजी को छोड़ के बाकी तमाम मसालों को पीस लिया है। यहाँ पर मैंने 10 से 15 मिनट के लिए कवर कर दिया था। अब ये देखिए ऑयल ऊपर आ गया है। अब हमें जो है वो सालन को भूनना है। आंच जो है वो तेज़ नहीं रखनी, मीडियम फ्लेम में हमें जो है इसे भूनना है। अब ये देखिए आप यहाँ पर मसाला भून चुका है। इस स्टेज पर आकर हम क्रीम ऐड करेंगे, और क्रीम जब ऐड करते हैं तो चूरा बिल्कुल हल्का कर देते हैं और बस थोड़ी देर बस ये मिक्स करने के बाद बंद कर देते हैं, ठीक है, वरना जो है वो कलर जो है वो क्रीमी नहीं होगा, ब्लैक हो जाएगा। इसके बाद हम कसूरी मेथी डालेंगे और हरा धनिया डाल देंगे लास्ट में। हमारा मखनी अचारी चिकन रेडी हो चुका है तकरीबन। यहाँ पर हमारी मखनी अचारी चिकन रेडी है, और ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत अच्छी बनती है। बस थोड़ी सी मेहनती है लेकिन ये कि बन जाती है बहुत अच्छी। इसी वीडियो के साथ मरीम नुमान को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए फ़ी अमान।